बड़ी खबर जांजगीर से बता रहे हैं आपको। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अकलतरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष इमरान खान कांग्रेसी हो गए हैं। नवगढ़ जनपद अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांजगीर से बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अकलतरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष इमरान खान कांग्रेस में शामिल हुए। नवगढ़ जनपद अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में इन सभी ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। राजकुमार साहू जुड़ गए हमारे साथ। राजकुमार, स्थानीय स्तर पर जिस तरह से देखा जाए तो ये प्रभाव है लोकसभा चुनाव नजदीक आने का, या फिर सत्ता में कांग्रेस है इस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं, जो स्थानीय सरकार में भी बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, क्या कारण बताया जा रहा है फिलहाल? देखिए, ये कहीं ना कहीं सत्ता का भी असर मान सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। उसके अलावा जो पार्टी में जो पूछ परख नहीं हो रही है वो भी एक इस मामले को इसे जोड़कर देखा जा सकता है। आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने नगर पालिका अकलतरा के उपाध्यक्ष इमरान खान और नवागढ़ जनपद के अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल हुए हैं। साथ ही इससे पहले जो जेसीसी के नेता हैं संदीप यादव, वो भी यहाँ पर जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये पहले कांग्रेस में ही थे और जब जोगी ने अलग पार्टी बनाई तो ये जेसीसी में चले गए थे। तो कुल मिलाकर के आज का ये जो कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था यहाँ पर नामांकन रैली के माध्यम से, तो ये एक तरह से बीजेपी में जो एक सेंध लगाई है कांग्रेस ने, इसे भी एक कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से जोड़ के देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जानकारी के लिए।